किड्स, कैसे हैं आप? गुड किड्स, टुडे फर्स्ट वी विल रिसाइट अ पोयम एंड देन वी विल डू आवर रिटन वर्क। और बेटा आज जो हम कविता कर रहे हैं उस कविता का शीर्षक है दो पैरों में होती तो एड़ी। तो चलिए अब हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। दो पैरों में होती तो एड़ी, दो पैरों में होती तो एड़ी, चलते चलते हो जाती टेढ़ी, चलते चलते हो जाती टेढ़ी, एक एड़ी जाती आगे, एक एड़ी जाती आगे, दूजी पीछे पीछे भागे, दूजी पीछे पीछे भागे। तो बेटा कैसी लगी आपको ये कविता? आपको इस कविता की प्रैक्टिस करनी है। बेटा आज हम फलों के नाम करेंगे और आज हम उन फलों के नाम कर रहे हैं जिसमें आ, ई और ई की मात्रा लगती है। और ये देखिए बेटा, ये कौन सा फल है पता है आपको? आम, आम। और आम को फलों का राजा कहते हैं। अब ये देखिए अनार, अनार लाल लाल, और अनार खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। अब ये देखिए पपीता, पपीता खाया है आपने, ये हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेशन को अच्छा रखता है। लीची, लीची, लीची का इस्तेमाल कब से राहत के लिए किया जाता है। अब ये देखिए अनानास, अनानास खाने से हमारे पेट की गैस, दर्द, एसिडिटी और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। अब ये क्या है? सीताफल, और ये भी हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। इसी तरह से ये देखिए जामुन, जामुन भी हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। अब ये देखिए ये कौन सा फल है? नाशपाती, और नाशपाती में ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है।